ठीक है, ये पंखा बंद कर सकते हैं आप, ये वर्ल्ड वॉर वन का कोप जो चल रहा है ना, इसको बंद। आवाज इसकी ऐसी है कि जैसे मशीन गन चल रही होती है। इसका राइट एंगल क्या है आज तक मैं समझ नहीं लगा कि जिस तरह भी करूँ ये वैसा। सर ओके बेहतरीन। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप तो इतने वो सीरियस होकर देख रहे हैं जैसे बराक ओबामा को मैसेज कर रहे हैं। काफी से पहली बार नजर आई आज, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन। अच्छा। बट आपकी हो गई है गपशप या थोड़ा सा मूवी में डिस्कस कर रही है? लेजेंड ऑफ बाला जट तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लास्ट जो प्रेसी थी वो आप लोगों ने की है, कौन सी प्रेसी थी? आज सुबह उसी में थी। आप लोगों ने सॉल्व की है? हाँ सर सॉल्व करें। करेंगे नहीं नहीं लाजमी नहीं है कि कुछ फ्रेसिस पास्ट पे होगी, कुछ फ्रेसिस डिस्टेंस। इस गिवन को मैं अभी सॉल्व करने लगा हूँ, इस गिवन के आपके सारे मसले अभी आधे घंटे में हल हो जाए, इस गिवन की टेंशन ना। ठीक है रूल्स जो है। अच्छा आप लोगों ने किताब परचेज कर लेना, ये मतलब किताब क्यों नहीं लेते आप लोग इधर से गोल गोल कर आठ डिजाइन की छोड़ रहे हैं। एक सेकेंड, उर्दू बाजार देखा है? उधर चले जाएं, आर डिलन की ये बुक, इतनी सी बात है। एक चक्कर लगाया करें, पेपरों का दस्ता भी ले लिया करें, कलम दवात पेंसिल सारे जो होते हैं वो भी ले लिया करें, और भी जो चीजें लेनी होती हैं बंटियां शंटियां वो भी ले लिया करें। ठीक है हाँ, ये क्या चीजें छोड़े छोड़े इसको छोड़, ये बुक है। ठीक है ये देखें आप, मैं एक चीज आपको बताऊं, आपकी जो सीजन 2010 की प्रेस है ना, अभी मैं नीचे बैठा हूँ उस सरवाले को भी बता रहा था कि इसमें से आ चुकी है सीएसएस 2010 की जो प्रेस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटीज वाला जो 2010 की है, कि यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव क्या, एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो इसमें से आ चुकी है। एक्सरसाइज नंबर 10 है आगे पीछे कहीं का। एक और भी प्रेस इसमें से आई है जो कि उसकी भी तलाश में मैं हूँ, कौन सी? तो ये रिकमेंडेड बुक्स में से, रिकमेंडेड। इसको ये ना देखें कि यार छोटी सी बुक है वो यार 100 रुपए की, नहीं असल में हमारी सोशल कंस्ट्रक्शन ये है कि हमें वो बुक्स अट्रैक्ट करती हैं जो इतनी मोटी हों और बहुत महंगी हों, ये हमारी सोशल कंस्ट्रक्शन है अनफॉर्चुनेटली। ये बुक आप लें, दिस इज बेस्ट, इसको प्रैक्टिस करें, जब ग्रिप हो जाए कुछ प्रेसिस रेमन मार्टिन से करें, कुछ प्रेसिस पास पेपर्स की करें, बस फिर पास पेपर्स में लग जाए, शुरू से लेके एंड तक एक एक प्रेसी करते जाए, सीएसएस खत्म हो जाए पीएमएस को शुरू हो जाए, पीएमएस खत्म हो जाए फिर कोई और बुक पकड़ ले, करनी तो बेसिकली प्रैक्टिस है ना, दैट इज द गेम। ठीक हो गया? अच्छा इसमें हाँ देखिए ये वाली है पेज नंबर 51 पे, इफ देन द प्रैक्टिकल एंड मस्ट बी असाइंड टू, ये 2010 की आपकी प्रेस की जो यहां से आई है। ये जो प्रेस अभी बच्चों को देनी है जी, वो मैं पीछे से अच्छा एजुकेशन ऑफ टीच, कैसे होता है स्लीप मोड? एक्सरसाइज 2 और 10 ये दोनों तकरीबन अभी पैसे आ चुके हैं। ठीक
ठीक है, इसके पिक्चर्स ले लें या आपके पास्ट पेपर में, ये दोनों प्लेसेस क्योंकि मैंने सारी सॉल्व की है पास्ट पेपर में, सारी मतलब से ले गए होता। तो ये जो एक्सरसाइज नंबर 9 एजुकेशन और टू टीचर्स हाउ टू बी इन लव विद, ये बिल्कुल आ चुकी है। एक्सरसाइज नंबर 10 जो है ये भी आ गया, गेटिंग दिस पॉइंट, सो व्हिच मेक्स इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। व्हाट दिस पॉइंट, ओके, जो प्रेस की मैंने आपको दी है जरा उसको देखने की कोशिश करते हैं। आपके पास वो पैराग्राफ है ना, है हाँ, मोबाइल पे कर लें, किसी से छोड़ लें, मोबाइल पे करेंगे। और कोई है मीडियम, यही मीडियम है। अच्छा, मैंने आपको क्या स्टेप्स बताए थे प्रेसी सॉल्व करने के? सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने उस पैराग्राफ को एक बार पढ़ना, ठीक हो गया, पहली गो में आपने उस पैराग्राफ को एक बार पढ़ना। जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको प्रेशराइज नहीं होना चाहिए कि अगर आपको पहली बार में अगर आपको सिर्फ इतना भी पता चल गया है कि जो टॉपिक है ये सिर्फ मैन और मशीन्स पे है, मशीनों पे और इंसानों पे कोई बात हो रही है, कोई इस तरह के कोई आपको एक एक वर्डिक्ट भी समझ आ जाता है ना, वो भी ठीक है। क्योंकि इस लेवल पे भी मतलब ठीक है, चले हर वक्त भी अपनी एग्जाम्पल अच्छी नहीं होती, आप जितने भी प्रेसिस सॉल्व कर लें, जब भी आप कोई नए प्रेसिस सॉल्व करते हैं पहली बार, आपको जितने भी आप अच्छे से कर लें, आपको ऐसा बहुत रेयर है कि आपको पहली रीडिंग में तो तकरीबन हर चीज समझ आ जाए, बहुत रेयर तकरीबन नहीं होता ऐसा। सो पहली रीडिंग में इट मीन्स कि अगर आपको 5% भी समय लग रही है, दैट इज, सो डोंट वरी। ये मैं इसलिए टिप देता हूँ क्योंकि पहली रीडिंग के बाद ना लोग बेहोश होना शुरू, यार ये समझने लगी क्या होगा, बस इस चीज से बचाने के लिए आपको मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि सबके साथ ऐसा ही होता है। और उधर आप फिर नर्व्स खराब कर बैठते हो जो लोग, अच्छा उसके बाद आप इसको 2-3 times रीड कर, और इसको जब दूसरी तीसरी बार रीड करें तो आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, अच्छी तरह से समझें इसको, इसको समझना जरूरी है, ठीक हो गया, क्योंकि आपने इसको करना है प्रिसाइज, ठीक हो गया। और प्रिसाइज किसी चीज को, वो कोटेशन होती है, यू कैन नॉट, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपल इनफ, यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट वेल इनफ। अगर तो आप उसको सिंपल करके नहीं लिख सकते तो वो चीज शो करती है कि आप अंडरस्टैंडिंग नहीं। और थर्ड कंपोनेंट क्या था कि आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर, ठीक है। प्रेसी करने के अमूमन दो तरीके होते हैं, एक तरीका ये होता है कि आप पैराग्राफ को 2-3-4 बार रीड करें, पैराग्राफ साइड पर रखें और जो अब आपके जहन में आ रहा है वो लिखें। ये तरीका उन लोगों के लिए जो बहुत एक्सपर्ट राइटर्स, जो बहुत जिनका कैलिबर हो, जो बहुत पिछले 10 साल से शोबा तालीम से वाबा और उनको पढ़ रहे हैं चीज़ों का परसेप्शन। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो, या जिस तरह मैं भी करता रहा हूँ, ये तरीका बहुत डेंजरस है, ये वाला जो भी आपको। पहली बात, इस पे आप कई अहम डिटेल्स मिस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप पैराग्राफ की तरतीब उलट पुलट कर रहे हैं, तरतीब पैराग्राफ की वही होगी जो ओरिजिनल पैराग्राफ की है। थर्ड इसमें चीज ये है कि आपको ये दो चीजें नजर आई है ज्यादातर चेकिंग में, कि या तो बच्चे अहम बातें मिस कर देते हैं या कुछ गलत भी कर देते हैं, आपने एक अंधेरे में तीर चला रहे हैं, लग गया तो ठीक है, ना लगा तो वो आपका गेम ओवर, ठीक है। तो बहुत ही डेंजरस तरीका है, बेस्ट तरीका ये है कि आप पार्ट्स में उसको डिवाइड करें, कि आपने पहला पढ़ा सेंटेंस, पहले 4 sentences पढ़े, हर बात पूरे पैराग्राफ में तो थीम तो एक होता है लेकिन बात टर्न कर रही है, अब पहली 4 lines में एक बात है, ठीक हो गया, 5वीं या 6वीं line से बात जो है वो तब्दील हो रही है, बात का रुख तब्दील हो रहा है, या कोई नई डिटेल आ रही है, या कोई नई बात हो रही है, या बात का एंगल चेंज हो रहा है, कोई नई एक्सप्लेनेशन आ रहा है जिसको आप उसके साथ जोड़ नहीं सकते, जोड़ने की जरूरत भी नहीं,
उन फाइव लाइंस को पहले अंडरस्टैंड करें अच्छी तरह से, देखें उसमें मेन क्या बात हो, उसकी जो सेंट्रल बात है, उसका मेन मकसद है, जो बताना चाह रहा है, वो कैच करने की कोशिश करें। अब वो आपको बताने से रोकने के लिए कई चीजें करेगा, जिसके अंदर ज्यादातर आएगी वर्बोसिटी, इसके अंदर ज्यादातर अननेसेसरी जार्गन्स होंगे, अननेसेसरी एक्सप्रेशंस होंगे, बात एक ही होगी लेकिन वो आपको इधर उधर, इट विल बी लाइक अ स्लिपरी स्नेक, समटाइम्स स्लिपरी फिश, मछली पकड़ना सांस ना पकड़ना, तो वो समटाइम्स यू विल अंडरस्टैंड दिस, समटाइम्स यू वोंट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो आप ये है आर्ट कि आप उसको समझेंगे बात और उसी को कंसाइज करके अपने अल्फाज में लिखें उस मेन बात को जो है, विदाउट जब लिखें तो उसके अंदर कोई वर्बोसिटी ना हो, उसके अंदर कोई एग्जांपल्स ना हो, उसके अंदर कोई डिटेल्स ना हो, उसके अंदर टू द एग्जैक्ट टू द पॉइंट बात, एग्जैक्ट टू द पॉइंट। जिस तरह मैं लास्ट किया था कि थ्योरी ऑफ फासिज्म इज हॉस्टाइल टू पीस, हमने तीन पॉइंट लिखे, इट निगेट्स पीस, बात तो यही हो रही है, तो इसको इट निगेट्स पीस को दो पैराग्राफ में कर दें, इसको इस तरह तीन अल्फाज में कर दें, मेन बात है, तो आपने मेन बात कैच करनी है, उसको अपने वर्ड्स के अंदर लिख दें, ठीक हो गया। अब इसे कौन सा जाएगा बंदा पानी का गिलास लग जाएगा, अब जाएंगे चलो वापिस इसको करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पास भी ये पैराग्राफ मौजूद है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पास ये पैराग्राफ मौजूद है? जी सर है। ठीक है बेटे, इतनी डेड आवाज में क्यों कर रहे हो, उनको तो 6000 साल है। अच्छा So, without wasting any time, let's get to the business. सबके पास है पैराग्राफ, तो हम इसको एक बार पहले कंप्लीट रीड ले लेंगे। It is customary to say that in our machine age there is less room than formerly for the craftsman joy and skilled work. I am not at all sure that this is true. The skilled workman nowadays works, it is true, at quite different things from those that occupied the attention of the medieval guilds. But he is still very important and quite essential in machine economy. There are those who make instruments and delicate machines. There are designers. There are aeroplane mechanics, chauffeurs, and hosts of others who have a trade in which the skill can be developed to almost any extent. The agricultural labor and the peasant in comparatively primitive communities is not, as far as I have been able to observe, thank you, nearly as happy as the chauffeur or an engine driver. It is true that the work of the peasant who cultivates his own land is varied. He plows, he sows, he reaps. But he is at the mercy of the elements and is very conscious of his dependence, whereas the man who works a modern mechanism is conscious of the power and acquires the sense that man is the master, not the slave of the natural forces. It is true, of course, that work is very uninteresting to the large body of mere machine minders who repeat the same technical operation over and over again with the minimum of variation. But the more uninteresting the work becomes, the more possible it is to get it performed by a machine. The ultimate goal of machine production is a system in which everything uninteresting is done by machine, and the human beings are reserved for the work involving variety and initiative. अब ये एक पैराग्राफ है जो कि तकरीबन नॉर्मल नौयत का है, मतलब इसको आप ये नहीं कह सकते कि बहुत आसान है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि बहुत मुश्किल है। तो पैराग्राफ्स इस तरह के ही आते हैं, इससे टफ भी आते हैं, तो आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हों कि इस तरह के पैराग्राफ्स आते हैं।
ये तो मतलब रिलेटिवली थोड़ा सा इजियर करा गया। अब हम इसको दूसरी बार रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। एक बार अपने जहन में क्लियर कट बिठा, बस इसके लिए ओवरऑल सीएसएस के लिए प्रेसी के लिए आपका कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है कि चले करंट अफेयर्स आप पढ़ लेते हैं दूर, लेकिन प्रेसी आपको खुद करनी पड़ता है और पैराग्राफ अनसीन तो इट मींस कि आपको ये स्किल आप पे सीखना फर्ज है। और इस तरह के डिफिकल्ट पैराग्राफ्स में उलझना, जहन को उलझाना, जहन को बार बार इसकी तरफ एक्सपोज कराना, ये जरूरी है। इससे तो आपको लड़ना पड़ेगा अगर हमें सीएसएस करनी है। इट इज कस्टमरी सूट टू से दैट इन आवर मशीन एज देयर इज लेस रूम देन फॉर्मरली। इट इज कस्टमरी टू से कि एक अमूमन बात है, एक कॉमन बात है, कस्टमरी बात है, मतलब क्या एक परसेप्शन के कॉमन बिलीफ है दैट इन आवर मशीन एज के जो आज की हमारी मशीनी जिंदगी है, मशीनी दुनिया है, देयर इज लेस रूम, इसमें कम जगह है देन फॉर्मरली। फॉर्मर से मुराद पहले के निस्बत, पास्ट के निस्बत, पिछले जमाने के निस्बत कम जगह है फॉर द क्राफ्ट्समैन जॉय एंड स्किल्ड वर्क। क्या मतलब है क्राफ्ट्समैन और जो स्किल्ड वर्कर, यानी कि जो स्किल्ड वर्कर उनके लिए कम जगह है। अब मैंने आपको ये बात पहले ही बताई, इस तरह के वर्ड्स आते रहे। अब जॉय में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, खुशी मतलब आपने देखें पैराग्राफिक टोन क्या है, जरा ऊपर लेवल पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा कि आपने तो जॉय में उसकी खुशी की तलाश करना, मतलब उसकी रेलिवेंस, रेलिवेंसी शो की, उसकी कनेक्टिविटी शो की जा। अब इसमें बात क्या हो रही है कि कॉमन परसेप्शन है कि आज के मशीनी दौर में स्किल्ड वर्कर के लिए कम जगह, बात ही कि ऐसा लगता है कि आज के मशीनी दौर में स्किल्ड वर्कर को रिप्लेस कर कहा ये जा रहा है। अब इस बात को मैं जितनी बार पॉजिटिव को कर ले करता रहे बस बात ही ठीक हो गया। ये कॉमन परसेप्शन है कि मशीन एज में स्किल्ड वर्कर को रिप्लेस कर, ये मेन बात है उसमें। आर यू गेटिंग दिस? तो आपने जरा पेनिट्रेट करना है और समझना है कि मेन बात तक पहुंचना है आपने, ठीक है। अजान
All right. So it is customary to say, ये common perception है कि जो मशीन एज है उसने स्किल्ड वर्कर को रिप्लेस कर दिया है। यहां तक बात क्लियर हो रही है? आगे वो क्या कहता है? आई एम नॉट एट ऑल श्योर दैट दिस इज ट्रू। कि राइटर कहता है कि मैं नहीं समझता कि ये बात ठीक है, कि राइटर के मुताबिक ये बात ठीक नहीं है। राइटर के मुताबिक ये परसेप्शन ठीक नहीं है कि मशीन एज ने स्किल्ड वर्कर्स को रिप्लेस कर दिया। अब यहां पे राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू टेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ओमिट नहीं कर सकते। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है। अब यहाँ पे कितनी लाइंस, 2-3 लाइंस हो गई, जो मैं आपको स्किल बता रहा हूँ कि यहाँ पे रुक के इसी पार्ट को पहले प्रिसाइज करें, फिर आगे चले, इस तरह पार्ट बाय पार्ट चले। अब इन लाइंस में मेन क्या बात हो रही है कि राइटर के मुताबिक, गौर से सुने बात को, ये एक कॉमन बट रॉन्ग परसेप्शन है कि मशीन एज ने वर्कर्स को रिप्लेस कर दिया। ये है इसकी राइट जो हमने प्रेसी की है। हाँ जी, वो भी ठीक है। इसको आप इस तरह से कर, अब मैं इसको अगर प्रिसाइज करूं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस पार्ट को अगर प्रिसाइज किया जाए तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इट इज अ कॉमन, इट इज अ कॉमन। कस्टमरी को हमने कहां से रिप्लेस कर दिया? कॉमन, बट रॉन्ग परसेप्शन। I do not agree that this is true. तो हमने कैसे कर दिया? Writer के मुताबिक गलत है। Writer इसे agree नहीं कर सकता, कर रहा। It is a common but wrong perception that machine age has replaced skilled वर्कर्स। क्या ख्याल है? इस तमाम बात को इस तरह लिखा जा सकता है कि वो ये बात कर रहा है कि ये कॉमन बात है, कस्टमरी बात है कि मशीन एज ने इंसानों को, स्किल्ड वर्कर को बदल दिया है। राइटर इससे एग्री नहीं कर, तो इस बात को हम इस तरह लिख सकते हैं कि इट्स अ कॉमन कस्टमरी बट रॉन्ग परसेप्शन, कि राइटर के मुताबिक ये चीज सही नहीं है कि दैट मशीन एज ने रिप्लेस कर दिया है स्किल्ड वर्कर्स। कि वो ये बात कर रहा है कि कस्टमरी टू से, कि ये कॉमन बात है कि आज के मैकेनिस्टिक जिंदगी में कम जगह है स्किल्ड वर्कर्स के लिए पहले के नस्बत। मतलब क्या हुआ? मशीनी दौर ने उनको रिप्लेस कर, उनको बदल दिया। फिर वो कहता है कि आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू। मतलब अकॉर्डिंग टू हिम ये कस्टमरी तो है, कॉमन तो है, बट गलत बात। अब यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने पहले लाइन रीड की, आपने उसका सेंट्रल मीनिंग लोकेट किया, क्या इसमें मेन बात ये बस वो लिख दी अपने अल्फाज में, और इसको आप देखिए, इसमें कोई वर्बोसिटी, कोई चीज, कोई डिफिकल्टी, कोई इसमें मुश्किल वकैब, कोई चीज आपको नजर नहीं, और प्रेसी का मकसद यही होता है। ठीक हो गया, आगे मूव करते हैं। द स्किल्ड वर्कमैन नाउडेज वर्क्स। अब यहां से बात बदल रही है थोड़ी सी। तो हमने पहली 3 लाइंस को मुनासिब समझा कि यार वो काफी है, उसको पकड़ के प्रिसाइज कर लें, फिर आगे देखें। तो सब पार्ट बाय पार्ट। द स्किल्ड वर्कर नाउडेज वर्क्स, जो आज का स्किल्ड वर्कर है वो काम करता है। नाउडेज वर्क्स, जो स्किल्ड वर्कर आज का है वो भी काम करता है। इट इज ट्रू, हकीकत बात है, वो करता है एट क्वाइट डिफरेंट थिंग्स, लेकिन मुख्तलिफ चीजों पर काम from those उन चीजों से that occupied the attention of medieval guilds, के जिन अदवार में medieval guilds में काम किया जाता था उनकी निस्बत आज का skilled worker उन चीजों से different चीजों पर काम करता है। medieval दौर का, अब इसको जरा जब भी कोई चीज समझे तो उसको जरा conceptualize भी करना बेहतर होता है और आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलती है। medieval guild, मेडिवल गिल्ड्स कौन से हैं? मेडिवल एजेस, 12वीं सदी, 13वीं सदी। तो 12वीं सदी का भी वर्कर था और आज का वर्कर,
भी है। आज का वर्कर भी काम करता है, 12वीं सदी का वर्कर भी काम करता था, बट वो पॉइंट क्या है कि आज का स्किल्ड वर्कर उनसे डिफरेंट चीजों में काम करता है। साफ जाहिर है ना कि 12वीं सदी में एरोप्लेन तो नहीं थे, 12वीं सदी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया जो आज के टूल्स हैं नहीं थे। तो आज के जो स्किलफुल लोग हैं तो वो आज काम तो कर रहे हैं, आज भी वो रेलिवेंट हैं, लेकिन वो किसी और तरह से रेलिवेंट। गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात कह देना कि वो इररेलीवेंट हो गए ये गलत, रेलिवेंट हैं लेकिन क्वाइट डिफरेंट थिंग्स में रेलिवेंट एज कम्पेयर टू द पीपल ऑफ द पास्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो दोबारा इसको देखें कि द स्किल्ड वर्कमैन नाउडेज वर्क्स, कि स्किल्ड वर्कर आज का स्किल्ड वर्कर भी काम करता है एट क्वाइट डिफरेंट थिंग्स, लेकिन वो मुख्तलिफ चीजों पे काम करता है फ्रॉम दोज उन चीजों पे दैट ऑक्यूपाइड द अटेंशन ऑफ द मेडिवल गिल्ड्स। जिन चीजों पे मेडिवल गिल्ड्स पे काम किया जाता है, मेडिवल एजेस पे जिन चीजों पे काम किया जाता था, उनकी निस्बत आज का जो स्किल्ड वर्कर है वो उनसे मुख्तलिफ चीजों पे काम करता है। बट ही इज वेरी स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो आज भी बहुत अहम है एंड क्वाइट एसेंशियल और काफी अहम है इन मशीन इकोनॉमी, मशीनी दुनिया। इकोनॉमी से मुराद यहाँ पे दुनिया है, मशीनी जिंदगी, मशीनी तौर, ठीक है। इस तरह के कई वर्ड्स होंगे, आपने उनको एज अ मेटाफर के तौर पे ले। अब इसमें क्या बात हो रही है कि जो अब हमने मेन बात तक पहुंचे, बात इसमें ये हो रही है कि आज का जो स्किल्ड वर्कर है वो भी रेलिवेंट, लेकिन वो कुछ मुख्तलिफ चीजों पे काम करता है एज कंपेयर टू द स्किल्ड वर्कर ऑफ पास्ट टाइम। गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब क्या हुआ कि अगरचे स्किल्ड वर्कर्स की नेचर तब्दील, अगरचे काम करने की नौयत तब्दील हुई है वक्त के साथ साथ, लेकिन स्टिल स्किल्ड वर्कर्स रेलिवेंट, ये इसमें बात हो रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और यही बात आपको अपने अल्फाज में इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑल्दो नेचर ऑफ स्किल्स वर्कर्स वर्क has changed, कि अगरचे स्किल्ड वर्कर के काम करने की नौयत बदल गई कि पास्ट पे वो मुख्तलिफ चीजों पे काम करता था, आज मुख्तलिफ चीजों पे काम करता है, चाहे उसके काम करने की नेचर बदली है, yet he is still relevant, लेकिन वो आज भी relevant is। Are you getting this point? कि चाहे उसके काम करने की नौयत बदली है, कि चाहे वो पास्ट में और चीजों पे काम कर रहा है, आज और चीजों पे काम कर रहा है। पास्ट में ज्यादातर जो स्किल्ड वर्कर थे वो खेती बाड़ी हो गया, वॉर मशीन्स हो गया, वॉर इंजीनियर हो गए, घोड़े, ये वो सारी चीजें उन पे काम करते थे। आज का स्किल्ड वर्कर और चीजों पे काम करता है, जो वो आगे एग्जाम्पल्स भी दे, कि आज वो कहता है ड्राइवर्स हैं, आज एरोप्लेन मैकेनिक्स हैं, आज जो है फैशन डिजाइनर्स हैं, आज की स्किल्स हैं, नहीं तो कल भी रेलिवेंट थे, आज भी रेलिवेंट है मुख्तलिफ चीज़ों पे। सो चाहे उनके काम करने का ढंग बदला, काम करने की नेचर बदली हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इररेलिवेंट हो, इसमें ये बात की जा रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो इट मीन्स कि आपने बात को समझने का आर्ट और उसको कंसाइज में लेने का पार्ट थोड़ा सा सीखा, तो इस तमाम बात को हम इस तरह सीखा सकते, वो सारी जो है उस बात को हमने कैच किया और अपने अल्फाज में बैठ के आगे मूव करते हैं। देर आर, अब वो एग्जांपल्स दे रहा, देर आर दोज हु मेक इंस्ट्रूमेंट्स। आज बेटा ये आप लोगों को पैराग्राफ नहीं आया, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये डिलन की जो बुक है, कौन सा पेज है जी, जरा बताइएगा। आर डिलन की बुक में से
अच्छा सर ग्रुप में शेयर है बेटा, शेयर कर लेना ग्रुप में से निकाल लें। सर एडमिन मैसेज कर सकते हैं लेकिन सेंड हुआ है ग्रुप में। बेटा ग्रुप देख लेना, सवाल तो इस तरह क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, आप पहले ग्रुप्स तो देख तो लिया करें कम से कम। ओके, देयर आर दोज़ हु मेक इंस्ट्रूमेंट्स एंड डेलिकेट मशीन्स। अब वो एग्जांपल्स दे रहे हैं कि जो वो पीछे बात बता के आया है कि आज हम किस तरह से रेलिवेंट हैं, आज स्किल्ड वर्कर कैसे रेलिवेंट हैं। अब वो दे रहा है उसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ वजाहतें कि देयर आर दोज़ हु मेक इंस्ट्रूमेंट्स, आज के ऐसे लोग हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, पिछले दौर में नहीं होते थे इंस्ट्रूमेंट्स, एंड डेलीकेट मशीन्स और डेलीकेट मशीन्स बनाते हैं। देर आर डिजाइनर्स, आज डिजाइनर्स मौजूद हैं। देर आर एरोप्लेन मैकेनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स मौजूद हैं, वो भी तो स्किल्ड है ना, क्या ख्याल है? ठीक है, जो एरोप्लेन उस दौर में नहीं था आज है, तो आज के जो एरोप्लेन को जो मैकेनिक है वो भी तो एक स्किल कर रहा है ना, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्किल्ड वर्कर नहीं है? आप वर्कशॉप में जाएं, आपकी गाड़ी कौन ठीक करता है, बाइक कौन ठीक करता है, घरों को कौन तामीर करता है, बिल्डिंग्स को कौन तामीर करता है, ब्रिजेस कौन तामीर करता है, जो बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बनते जा रहे हैं कौन कर रहा है, ये किस एरिया में इसको वाइट कॉलर्स लोग हैं कहाँ पे कैटेगराइज करेंगे? दे आर द स्किल्ड वर्कर्स। यू गो टू अ गैरेज, एक ऐसा बंदा जो आपकी गाड़ी ठीक कर रहा है उसको कैटेगराइज करें सोशल टेयर में, कहाँ पे वो स्टैंड करें, कौन है वो? प्रेसिडेंट है या आर्मी का बंदा है? स्किल्ड वर्कर है ना। जी जी बस ठीक है ना, वो ज्यादा ठीक है, तो ऑब्वियसली स्किल्ड वर्कर है ना भाई, तो आप देखेंगे स्किल्ड वर्कर। अब ये मैप किसने बनाया? किसी स्किल बंदे का आर्ट है, आर्टिस्ट मौजूद है, तो किसी भी दौर में ऐसा नहीं हो सकता कि स्किल्ड वर्कर्स ना, हमारी जो कॉमन परसेप्शन बनी जी मशीनी दौर में स्किल्ड वर्कर नहीं है, तो जो लोग मशीनों को चला रहे हैं वो कौन है? वो भी तो स्किल्ड है ना, वक्त के साथ साथ स्किल बदली, तो वो रेलिवेंस मौजूद है वर्क के साथ स्किल बदली, ये इसका सारा थीम है इस पैराग्राफ का। अब वो एक्सप्लेनेशंस दे रहा है कि आज ऐसे लोग हैं जो डेलिकेट मशीन्स बनाते हैं, आज डिजाइनर्स मौजूद हैं, एरोप्लेन मैकेनिक्स मौजूद हैं, शॉफर्स यानी कि ड्राइवर्स मौजूद हैं, एंड द होस्ट्स ऑफ अदर्स, और बहुत सारे इस तरह के और भी एग्जांपल्स, हु हैव द ट्रेड्स इन विच द स्किल कैन बी डेवलप्ड, जिनकी इतनी ट्रेड है, ट्रेड्स मतलब रेलिवेंस, तिजारत में नहीं चले जाना, जिनकी इतनी रेलिवेंस है, इन विच द स्किल कैन बी डेवलप टू ऑलमोस्ट एनी एक्सटेंट, कि उनकी स्किल किसी भी हद तक डेवलप हो सकती है, कि आज वो ना सिर्फ रेलिवेंट है बल्कि इतने रेलिवेंट है क्योंकि स्किल्स प्रोग्रेसिव भी है और किसी हद तक स्किल डेवलप भी की जा सकती है, किसी ग्रेट एक्सटेंट तक डेवलप भी हो सकती है, तो ये प्रोग्रेशन को शो करता है कि वो ना सिर्फ रेलिवेंट है बल्कि प्रोग्रेसिव भी, मतलब सही तौर पर रेलिवेंट है। रेलिवेंट चीज वो होती है जो रेलिवेंट भी हो और वर्क के साथ ग्रो भी करे, तो उनमें इंप्रूवमेंट की भी स्पेस मौजूद, विच शोज दे आर हाईली रेलिवेंट। गेटिंग दिस पॉइंट? अब यहाँ पे उसने एग्जांपल्स दी उस बात को वाजिया करने, और एग्जांपल्स को आप क्या करते हैं, ओमिट करते हैं, और जो एग्जांपल्स का मतलब वो बताते हैं। तो इस बात को हम इस तरह कर सकते हैं कि इसमें देखिए क्या बात बताई जा रही है कि एरोप्लेन मैकेनिक्स हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, फलाना फलाना फलाना, मतलब क्या हुआ? आज के दौर में उनकी स्किल्स डिफरेंट फील्ड्स में रेलिवेंट, डिफरेंट फील्ड्स बताए हुए ना, कि वो ड्राइवर भी है, वो प्लेन मैकेनिक भी है, वो डिजाइनर भी है, वो फला काम भी करता है, वो फला काम भी करता है, वो फला भी करता है, मतलब क्या हुआ? डिफरेंट फील्ड्स, कि उनकी स्किल्स आज के दौर में डिफरेंट फील्ड्स में रेलिवेंट, ये इसमें भी बात की जा रही है। एग्जाम्पल्स आप ओमिट करेंगे, अगर आप एग्जाम्पल्स उसने 50 दिए हो, आप कैसे उसको फिर 50 के ट्रेसी कैसे बनाएंगे, 50 एग्जाम्पल्स अगर लिखेंगे, तो एग्जाम्पल्स दी जाती हैं किसी पॉइंट को प्रूव करने के, और वो पॉइंट ये प्रूव करना चाह रहा है इन एग्जाम्पल्स के जरिए कि आज उनकी बहुत सारी फील्ड्स रेलिवेंस। इन एग्जाम्पल्स का मतलब यही निकल रहा है ना, और क्या मतलब निकल रहा है कि वो ये एग्जांपल से क्या बताना चाह रहा है, ये देखिए इतने फील्ड्स हैं उनकी स्किल रेलेवेंस, तो यही बात आप लिखिए प्रेसी में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फिर इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, देयर स्किल्स आर एप्लीकेबल इन मेनी फील्ड्स,
their skills are applicable in many fields. अब ये जो सारी उसने examples दिए हैं, many fields का नाम लिख के हमने वो तमाम examples जो है वो cover कर ली हैं. This is the precision. आपने precise किया बात, उसने scatter किया, आपने precise किया, ठीक है, उसने बात को फैला दिया, उसी बात को आपने कंसाइज कर दिया, यही कंसाइज करना ही प्रेसिंग कि देयर स्किल्स आर एप्लीकेबल इन मैनी फील्ड्स, ऑल दोज एग्जांपल्स आर रिटन एज मैनी फील्ड्स. और दूसरा जो आगे वो बता रहा है, इट कैन बी डेवलप्ड, कैन बी डेवलप्ड टू ग्रेट एक्सटेंट, और किसी भी हद तक ग्रो कराई जा सकती है. जो आगे वो बात कर रहा है कि इन विच द स्किल कैन बी डेवलप्ड टू ऑलमोस्ट एनी एक्सटेंट, मतलब किसी भी हद तक वो ग्रो कर सकती है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो दो इसमें मेन बातें हैं. एक मेन बात कि आज के दौर में उनकी स्किल्स बहुत जगहों पर रेलेवेंट, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री स्किल्ड वर्कर्स के बगैर नहीं चल सकती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्किल के बगैर नहीं चल सकता. बल्कि आज के दौर में तो मेरे मुताबिक ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स, जापान की इकोनॉमी को देखें, है क्या उनके पास, ना उनके पास कोई एटम वो है, एटम बम, चले हाँ एटम बम भी कहाँ उनके पास, उनके पास कोई, आपने सुना होगा कि उन्होंने मारा वो तेल की जखायर निकला है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ह्यूमन रिसोर्स को कैपिटल में कन्वर्ट किया, स्किल्ड वर्क सिखा और पूरी दुनिया को टैग किया कि स्किल सीखी ना, कि टेलीविजन बनाना है, फलानी चीज बनानी है, एरोप्लेन्स बनाने हैं, ये बाइक इंडस्ट्री बनानी है, होंडा बनानी है, ये फलानी असेंबलेज करनी है. जो लोग असेंबल कर रहे हैं कार के पार्ट्स, वो कौन है? स्किल्ड वर्कर्स हैं ना, उनके पास स्किल है कार को असेंबल करने की. तो उन्होंने ये सारी चीजें खत्म कर दी है, क्या वो कहते हैं तमाशे लिटरेचर, कोई फायदा, स्किल सिखाना बस, ताकि वो अर्निंग हैंड्स बने और स्टेट को ऊपर लेके जाए. दिस पॉइंट तो वो भी यही बात कर रहा है कि आप गिर्दोनवा में देखें, यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स के यहाँ पे हर जगह पे स्किल इन हो, तो स्किल्ड वर्कर्स हर दौर में रहे और दुनिया को चलाते हैं. एक होता है ऊपर टॉप पे जो पॉलिसी बनाता है, एक होता है मैनेज मैनेजर जो पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराता है. एग्जीक्यूट किसने करना है? स्किल्ड वर्कर्स ने. आप डायरेक्शन देते हैं भाई ये तरह करो, वो जो कर रहा है वो स्किल्ड वर्कर है, तो स्किल्ड वर्कर ही चलाते हैं सिस्टम को, उनकी स्किल पे चीजें चलती हैं. सो आज भी स्किल्ड वर्कर्स रेलिवेंट हैं डिफरेंट फील्ड्स में, और इतने रेलिवेंट है कि उनकी रेलिवेंस इंक्रीज भी हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक हो गया, आगे मूव करते हैं. Agriculture labor end up present in comparatively primitive communities. कि जो primitive communities थी, जो पुराने दौर की communities थी, उनके जो agricultural laborers थे, पुराने दौर का जो peasant था. अब punctuation में आप लोगों ने अगर आपको याद हो, मैंने खुद समझाया है कि कॉम अगर इस्तेमाल नहीं होता है, अगर एक क्लॉज के शुरू में और आखिर में कॉमा, तो वो क्लॉज क्या होती है? क्या होती है वो क्लॉज? इमाम विजय अकबर सो तो गलत बताइए, बेटा आप बताए, आपने पंक्चुएशन की हुई ना, बताए. जब मैं पंक्चुएशन कराता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज प्रेसी में आपको इस्तेमाल होगी और यही चीज, तो फिर भी आप लोग भूल जाते हैं. अगर एक क्लॉज को दो तरफ से कॉमा से सेपरेट कर दें, वो होती है अनएसेंशियल क्लॉज, इंडिपेंडेंट नहीं होती, गैर अहम होती है, गैर अहम. कि उसको अगर मैं इस फिक्र से उमिट भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई रोल नहीं होता, वो अनएसेंशियल क्लॉज. अनएसेंशियल का मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होता, अनएसेंशियल का मतलब होता है गैर अहम.
आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में चले गए, प्रिंसिपल सबॉर्डिनेट क्लॉज, अनएसेंशियल क्लॉज होती है, गैर अहम क्लॉज। गैर अहम से क्या मुराद कि अगर मैं उसको सेंटेंस में से रिमूव भी कर दूं, सेंटेंस के मीनिंग पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। और यही आर्ट आपने प्रेसी में अप्लाई करना है, क्योंकि प्रेसी में अमूमन वो आपको यहाँ पे ट्रैप करेगा जिस तरह अब उसने ट्रैप करने की कोशिश की। कैसे, जरा गौर से देखिए सेंटेंस को। द एग्रीकल्चर लेबर एंड द पीजेंट इन कंपैरेटिवली प्रिमिटिव कम्युनिटीज, इसके बाद है कॉमन, सो फार एज आई हैव बीन एबल टू ऑब्जर्व, उसके बाद फिर कॉमन, nearly as happy as chauffeur or an engine driver. दोबारा मैं इसको रिपीट करूं, the agricultural labor and the peasants in comparatively primitive communities so far as I've been able to observe nearly as happy as chauffeur or an engine driver. क्या समझ लग रही है? गड़बड़ का शिकार होने से बेहतर है जो मैंने आपको स्किल्स समझाई है कि कॉमा से बीच वाले सेंटेंस को ओमिट कर, अब इसको ओमिट करके जरा आप इसको रीड करें, अब आपको फौरन समझ लग जाएगा। The agricultural labor and the peasant in comparatively primitive communities is not as happy as chauffeur or an engine driver. के past का जो peasant था, past का जो agricultural labor, वो इतना खुश नहीं है जितना आज का engine driver खुश, जितना आज का labor खुश। पहुंच रहे ना बात में? अब इस तरह का ये चीज जहन में रखिएगा, कई सारे प्रेसिस में मैंने देखा है कि वो बड़े बड़े सेंटेंसेस के बीच में एक सेंटेंस डाल देते हैं जिसको आप 5 मिनट आपके ले जाएगी वो बात, 10 मिनट आपके ऑब्जर्व करा देंगे, समझ नहीं है उसको बाहर कर, ठीक है, और फिर उसको समझिए। अब इसमें मेन क्या बात है कि बात जो पुराना पास्ट का पीजेंट है, पास्ट का स्किल्ड वर्कर है, वो इतना हैप्पी नहीं है जितना आज का इंजन ड्राइवर और आज का स्किल्ड वर्कर। मतलब क्या हुआ कि पास्ट का स्किल्ड वर्कर आज के स्किल्ड वर्कर से कम हैप्पी है। मेन बात ये कि इसको आप जितना घुमा लें, जितना फिरा लें, इसको जिस तरह से भी ट्रिकी अंदाज में करें, बात तो आप यही कर रहे हैं कि अगर मैं कहता हूं कि जो पास्ट का जो मेडिवल डेज का जो फार्मर है वो इतना खुश नहीं था, तकरीबन इतना खुश नहीं था इतना आज का इंजन ड्राइवर है। मतलब क्या हुआ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ पास्ट का स्किल्ड वर्कर आज के स्किल्ड वर्कर से कम है। या इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि आज का स्किल्ड वर्कर पास्ट के स्किल्ड वर्कर से ज्यादा है। किसी तरह से भी आप इस बात को, आपका सिर्फ टास्क इतना है कि यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस कि उसमें मेन क्या बात है उसको। अब ये है मत्थाफोरी वाला काम और ये आपको करना पड़ेगा अगर तो प्रेसिस पास करते हैं, ठीक हो गया। अब जो इसमें मेन बात है कि पास्ट का स्किल्ड वर्कर आज के स्किल्ड वर्कर की निस्बत कम है, यहां तक बात क्लियर हो गई? इट इज ट्रू, ये बात सच है। पहले मैं इस पार्ट को कर लेता हूं, तो इस पार्ट को मैं कैसे कर सकता हूं, द वर्कर ऑफ द पास्ट, वर्कर of the past was less happy than today's work. Is this right? Worker of the past was less happy than today's worker. यहां तक बात क्लियर हो रही? अब यहां पे उसने लिखा हुआ है इस का इस्तेमाल किया, यहां मैंने लिखा हुआ है पास्ट वॉस, उसने लिखा हुआ है इस, मैंने लिखा है वॉस, तो मैंने कोई क्राइम नहीं किया और ना ही मैंने कोई वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की है। ये रियलिस्टिक बात, बात पास्ट की हो रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि पास्ट का स्किल वर्कर कम है, ये तो नहीं कह सकते कि पास्ट का स्किल वर्कर आज कम है, तो था, चाहे वो है कह रहा है, लेकिन आपने था कर रहे हैं, रीजन आपने रियलिस्टिक रहना है। आप भी कई बार इस तरह करते हैं कि अगर मैं इस तरह बयान करूं कि मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसने फलाना किया था,
उसने फलाना किया था। आप भी बाजू का इसको इस तरह कर देते हैं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है, फिर वो उस पर हमला करता है, फिर वो फलाना काम करता है। आप ता है का इस्तेमाल कर प्रेजेंट का, लेकिन बात तो आप पास्ट की कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां भी उसने कि पास्ट का जो वर्कर है वो ज्यादा हैप्पी नजर आता है, मीन कि वो ज्यादा हैप्पी नहीं था, इसको पास्ट में आप करें। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके। इट इज ट्रू दैट द वर्क ऑफ द पीजेंट हु कल्टीवेट्स हिज ओन लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात सच है कि जो पीजेंट अपने खेत की सराबी करता है उसके काम में वैरायटी है, उसके काम में वैरायटी है। He plows, वो खेत जोतता है। He sows, वो बीज बोता है। He reaps, वो कल्टीवेट करता है। But he is at the mercy of elements, लेकिन वो कुछ एलिमेंट्स के रहम और करम में। And is very cautious of his dependence, और उसको अपनी डिपेंडेंस का मुकम्मल इदराक भी है। Whereas the man who works a modern mechanism, जबकि आज का जो मॉडर्न बंदा है, आज का जो मॉडर्न मैकेनिज्म में जो काम कर रहा है, जो मॉडर्न टेक्निकल वर्कर है, is conscious of the power, उसको अपनी ताकत का इदराक है, and acquires the sense, और उसमें sense है, that man is the master, not the slave of natural forces. इंसान इन नेचुरल फोर्सेस का मास्टर है, स्लेव नहीं। इसको क्या बात? Anyone else? ठीक है। ठीक है। Anyone else? आप? ठीक है। शुएब? ठीक है। आप? Past worker works the past worker worked on modern mechanism while the current worker works on the past worker modern mechanism में। अच्छा। तो भी मैन आप बताइएगा। past ठीक है। सीरियस वाले भाई आप? हाँ और प्रेजेंट कवर कर, प्रेजेंट कवर कर। शाबाश। ओके। अब तमाम ने आपने एक बात की कि पास्ट का वर्कर ये करता था, आज का कहना आप वो क्या चाह रहे हैं कि पास्ट का जो वर्कर वो नेचुरल फैक्टर से ज्यादा अफेक्ट होता था, जबकि आज का जो वर्कर है उसने नेचुरल फोर्सेस को काफी हद तक कंट्रोल में कर लिया। दैट इज द मेन थिंग। जो पीछे वो बात करके आया कि पास्ट का वर्कर कनेक्टिंग द डॉट्स करें ना, पास्ट का वर्कर ये देखिए, तो वर्कर ऑफ द पास्ट वाज लेस अगेन दैट बेस्ड रीजन, आगे वो रीजन है कि पास्ट का वर्कर एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट होता था, आज का वर्कर कंट्रोल कर, दैट इज द एंड दिस इज द कनेक्टिंग द डॉट्स। क्या बिल्कुल उसको एक सीक्वेंस मिलेगा और बेसिकली वो कर भी यही रहा है। पहले उसने बताया है ये है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कि आप समझे कि वो बात कहना क्या चाहता है, कि वो एग्जांपल्स दे रहा है, वो बातें कर रहा है, बात यही कह रहा है कि पास्ट का वर्कर कम हैप्पी है आज के वर्कर के निस्बत, क्योंकि पास्ट का वर्कर जो था एनवायरमेंटल फैक्टर से ज्यादा अफेक्टेड था, जबकि आज का वर्कर जो है उसने काफी हद तक इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया। ये मेन बात है। और इसको अगर आप लॉजिकली देखें तो ये बात ठीक है। पास्ट में जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं थी, पास्ट में हाइब्रिड सीड्स नहीं थे, पास्ट में बीटी कॉटन नहीं थी, पास्ट में फर्टिलाइजर्स नहीं होते थे, पास्ट कई ऐसी चीजें थी कि हम लग गई है। अब देखिए COVID-19 आया, उसको हमने कंट्रोल कर लिया, या इसी तरह 13th सेंचुरी में आया था प्लेग, उसको कंट्रोल नहीं कर सके थे।
गॉट दिस पॉइंट, और उस वक्त दुनिया की आधी आधी दुनिया खत्म हो गई, आधी दुनिया खत्म हो गई, वो तो बाय डिफॉल्ट कंट्रोल हो गया पता नहीं कैसे, लेकिन कोई स्किल तो नहीं थी। या जिस तरह आज आप कोई कोई अटैक होता है कोई पेस्ट्स का या कोई लोकस्ट्स का या कोई आपके पास इंफेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फलाना 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 मौजूद है, आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं आप जो है वो क्लाउड बस्टिंग की फिनोमेना से, डेजर्ट्स के अंदर भी दुबई में होता है कि डेजर्ट्स के अंदर भी रेन कराते हैं, वो ऑब्वियसली नेचुरल फैक्टर्स को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं और इसलिए आप उनसे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते और इसलिए आप ना स्कूल में एज कम्पेयर टू पास्ट। पास्ट में इतनी डिजीज होती थी, कोई मेडिकल एडवांसमेंट नहीं थी, आज कोई मसला हर तरह की मेडिकल सहूलतें मौजूद हैं। तो आज की जो जनरेशन है वो लेस जो है वो मोर सेटिस्फाइड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यही बात वो यहाँ पे कर रहा है, उस बात को आप ऐसे करेंगे, द वर्कर ऑफ द पास्ट वाज लेस हैप्पी देन द टुडेज वर्कर बिकॉज ही वाज, क्योंकि वो अफेक्टेड था, he was more dependent on natural factors, on nature. जहां पर मैं बात कर रहा, he was at the mercy of some elements. कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो नेचुरल एलिमेंट्स, कि वो नेचर के रहम करम पे था, मतलब नेचर पे डिपेंडेंट। बारिश होगी तो फसल होगी, आज आप देखिए बारिश नहीं होगा फसल आ जाएंगे। तो पास्ट को जो वर्कर है वो लेस हैप्पी था क्योंकि वो नेचर पे डिपेंड करता था, वेयर एज जबकि द टुडेज वर्कर, जबकि जो आज का जो वर्कर है हैज कंट्रोल्ड नेचर, को कंट्रोल कर दिया, उसके अलावा मास्टर का इस्तेमाल। उसमें किस सर, अगर ये लाइन ना भी ऐड करे तो भी तो मीनिंग ऑब्वियस ही है जी बेटा। सर अगर ये लाइन जो हमने की है वेयर एज नेक्स्ट जगह ऐड ना भी करे तो मीनिंग ऑब्वियस ही बन रहा है। कौन सी? वेयर एज टुडेज वर्कर हैज कंट्रोल द नेचर। बात अगर इसको आप ओमिट कर दें यहाँ तक भी सब फुल स्टॉप लगा दें इतिहास पे, द वर्कर ऑफ द पास्ट वाज लेस हैप्पी, यहाँ तक एक लिहाज से बात तकरीबन बहरहाल पूरी तो है, लेकिन टू मेक इट मोर बेटर, टू मेक इट, अगर आप इकोनॉमी वर्ड से ही कर लेते हैं तो इसको क्लियर मीनिंग दे रहे, क्योंकि आगे उसने कंपेरिजन तो पूरा ड्रॉ किया, ठीक है, उसने तो ये बात की हुई है ना, अच्छी खासी उसने बात की हुई है कि Whereas the man who works the modern mechanism is cautious but power requires a sense that man is master. ठीक हो गया, तो तीन चार लाइन उसने बताई हुई है, आप इसको नरकलोमेट करना ठीक नहीं होगा, उसने प्रॉपर कंपेरिजन ड्रॉ किया तो आप भी ड्रॉ कर दें, ठीक है। नो डाउट के एक चीज होती है ओके, एक चीज होती है बेटर, ओके है, गलत नहीं है बात, लेकिन ये बेटर है उसने पूरा कंपैरिजन दिया तो आप भी पूरा कंपैरिजन दे और चीज को मजीद बेटर कर और एट द एंड ऑफ इकोनॉमी वर्ड्स भी कर लें। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो आपका क्वेश्चन ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा बेटर, सो लेट्स मूव टू समवर्ट बेटर प्लेस। व्हाट दिस पॉइंट? आगे मूव करते हैं। इट इज ट्रू, ये बात सच है ऑफ कोर्स, लेकिन that work is very uninteresting to the large body of mere machine minders. कि जो बहुत सारे लोग मशीनों पे काम करते हैं, मशीन माइंडर्स होते हैं, मशीनों से खेलते हैं, मशीनों में रहते हैं, उनके लिए ये जो काम है बहुत अनइंटरेस्टिंग। मतलब क्या हुआ? मैकेनिस्टिक वर्क जो है ये बहुत अनइंटरेस्टिंग है, who repeats same technical operation over and over again. जो वही टेक्निकल ऑपरेशन बार बार रिपीट करते हैं, मतलब इस वर्क में कोई इनोवेशन नहीं, बोरिंग टास्क, डल टास्क, कि कार के पार्ट असेंबल करने कोई तरीके का है जो डेली कर दें, इनोवेशन नहीं। तो वहां यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मशीनी काम अपनी रेपिटेटिव नेचर की वजह से बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगता है,
कि लार्ज बॉडी ऑफ द पीपल को, लार्ज बॉडी ऑफ मशीन माइंडर्स को, क्योंकि उन्हें बार बार ये काम रिपीट करना होता है, तो इसकी रेपिटेटिव नेचर की वजह से, इसकी रेपिटेशन की वजह से ये काम बहुत सारे लोगों लार्ज बॉडी को बोरिंग लगता है, मेन बात इसमें। बट द मोर द अनइंटरेस्टिंग वर्क बिकम्स, लेकिन जितना अनइंटरेस्टिंग काम होता जाएगा, द मोर पॉसिबल इट इज टू गेट इट परफॉर्म बाय मशीन। जितना अनइंटरेस्टिंग काम होगा उतनी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी कि इस काम को मशीन से कराया जाए। जो कार के कुछ पार्ट्स तो ऑब्वियसली इंसान, लेकिन ज्यादातर जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें मशीन ही असेंबलेज कर, रोबोट्स असेंबलेज कर, या ज्यादातर जो प्रोग्रामिंग होती है वो रोबोट्स के जरिए ही हो रही होती है, मशीन के जरिए। एक सॉफ्टवेयर दे दें, इंस्टॉल कर दें, इंस्ट्रक्शंस कर दें, सारा दिन मशीन वो काम करती है। तो जितना रेपिटेटिव काम होगा, इंसान की कोशिश होती है कि वो काम रेपिटेटिव नेचर मशीन से, खुद वो क्या करता है, खुद को वो रिजर्व रखता है फॉर मोर डायनेमिक एंड इनोवेटिव और इनोवेटिव वर्क्स। यही बात को आगे बता रहे बेटा, बहुत सही बिल्कुल खत्म कर दूंगा। इट इज ऑफ कोर्स, ये बात बिल्कुल सच है, दैट द वर्क इज वेरी अनइंटरेस्टिंग, के वर्क बहुत अनइंटरेस्टिंग है टू द लार्ज बॉडी ऑफ मेयर मशीन माइंड, हु रिपीट द सेम टेक्निकल ऑपरेशन ओवर एंड ओवर अगेन विद मिनिमम ऑफ वेरिएशन, बट द मोर इंटरेस्टिंग द वर्क बिकम्स द मोर पर्सनल इज गेट परफॉर्म्ड बाय द मशीन। कि चूंकि मशीन का काम रेपिटेटिव नेचर होने की वजह से बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगता है, इसलिए जितना काम बोरिंग होगा उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी कि इंसान ये काम मशीन से, गेटिंग दिस पॉइंट। तो इंसान बोरिंग काम, रिपीटेटिव काम मशीन से करता, खुद वो क्या करेगा, द अल्टीमेट गोल ऑफ मशीन प्रोडक्शन, तो इस मशीन की प्रोडक्शन का, इस मशीन का अल्टीमेट मकसद इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस करना है in which everything uninteresting is done by a machine, in which everything uninteresting is done by a machine, every uninteresting thing, every repetitive thing, every boring thing is done by a machine, and human beings are reserved for the work involving variety and machine. Kya matlab ki insaan repetitive kaam, बोरिंग काम मशीन से कराता है और खुद इनोवेटिव और डायनेमिक काम के लिए खुद को रिजर्व किया। गेटिंग दिस पॉइंट, दो मेन आइडियाज हैं, चूंकि मशीनी जो काम है वो रेपिटेटिव नेचर की वजह से बोरिंग है, इसीलिए इंसान बोरिंग काम मशीन से कराता है और डायनेमिक काम खुद कर। इंसान ने मशीनें सिस्टम बनाने का, मशीन बनाने का मकसद ये है इंसान का, कि जो टाइम वेस्टिंग वाला काम है, जो बोरिंग काम है, जो जिसमें कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है। अब आपने दिन में 1000 गाड़ियां बनानी है, आप एक रोबोट को वो करता है, अब आपका काम खत्म। आपका क्या काम है, मजीद इस प्रोजेक्ट को डायनामिक कैसे किया जाए, मजीद इस मशीन को बेटर कैसे किया जाए, मजीद इस प्रोजेक्ट को, ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेट कैसे किया जाए, मजीद और कैसी मशीन बनाई जाए जो इस मशीन को असिस्ट करे। आप अगर उधर ही सारा दिन लगे रहेंगे तो इधर कौन सोचेगा, मशीन ने तो नहीं सोचा। तो मशीन के लिए आप एक टास्क असाइन कर देते हैं, ठीक हो गया, और खुद आप फिर दूसरे काम पे लग जाते हैं, इनोवेटिव काम, और यही इंसान कर रहा है। इनोवेशन कैसे हो, चीज़ें बेटर से बेटर से बेटर कैसे इम्प्रूव हो रही है, अगर सारे बंदे सारे यही काम करते रहते हैं सुबह से शाम तक, तो फिर ये दुनिया इंप्रूव कैसे हो। इनोवेशन इंसान खुद करता रहता है और बाकी साथ में मशीनों से वो काम कराता रहता है। सो ये अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, प्रिसाइज कैसे कर सकते हैं,
सिंस द मैकेनिस्टिक वर्क इज अनइंटरेस्टिंग, चूंकि सिंस का मतलब चूंकि भी होता है, बिकॉज का भी होता है, पता है आपको चीज, क्योंकि मैकेनिस्टिक वर्क अनइंटरेस्टिंग है ड्यू टू इट्स रेपिटेटिव नेचर. इसके रेपिटेटिव नेचर की वजह से, क्योंकि इसके रेपिटेटिव नेचर की वजह से जो मशीनी काम है वो क्या है, अनइंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, लिहाजा इंसान ने क्या किया, देयरफॉर इसलिए मैन हैज रिजर्व्ड दीज मशीन्स, मैन हैज रिजर्व्ड दिस वर्क फॉर मशीन. तो इंसान ने ये काम मशीनों को भी सौंप दिया. गेटिंग दिस पॉइंट, कि चूंकि मशीनी काम रेपिटेटिव नेचर की वजह से अनइंटरेस्टिंग है, इसलिए इंसान ने ये काम मशीनों को सौंप दिया है. व्हाइल जबकि ही हिमसेल्फ परफॉर्म्स मोर डायनेमिक एंड इनोवेटिव वर्क, चाहे इसमें से मोर को रिप्लेस कर दें, एक वर्ड आपका वजीर कौन भी हो. अब वो सारी बात जो उसने की है वो हमने इस तरह से यहाँ पर बयान कर दी है, क्योंकि जो मैकेनिस्टिक वर्क है वो अनइंटरेस्टिंग है अपनी रेपिटेटिव नेचर की वजह से, लिहाजा इंसान ने मशीनों को इस काम के लिए डिजाइन कर दिया, जबकि वो खुद डायनामिक और इनोवेटिव काम कर, जो कि उसने आखिर में बताया. तो ये सारा था इस पूरे पैराग्राफ की पैसी और आखिरी पार्ट की. अब जो स्किल आपने सीखी वो ये सीखी कि आप पैराग्राफ को रीड करें, उसको समझें, पार्ट बाय पार्ट चले, हम देखें पार्ट बाय पार्ट चलते गए और हर पार्ट को समझ के उसका मेन आइडिया अपने अल्फाज में लिख के और उसको हमने बयान किया. जब आप इस तरह पार्ट बाय पार्ट चलते हैं तो प्रेसी आसान इसलिए हो जाती है कि खुद आप देखें जहाँ पे एक पैराग्राफ बड़ा सारा, वहाँ पे छोटे छोटे पैराग्राफ्स, तो छोटे छोटे पैराग्राफ प्रेसाइज करना आसान होता है, बर्डन फ्री, प्लस आप कोई अहम बात मिस नहीं करते, प्लस आपके सीक्वेंस भी खराब नहीं करते, प्लस आप सारी डिटेल्स जो रिक्वायर्ड होती है वो दे रहे होते हैं. इट मीन्स कि आप अपने एंड पे पूरी सिक्योर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जिस पे फेलियर में कोई चांस नहीं है, फिर प्रेसी नहीं फेल. आखिर में आपने क्या करना है, इन तमाम को पार्ट्स को ज्वाइन करके एक मुकम्मल पैराग्राफ बना लेना है और वर्ड काउंट करना है. अगर तो अल्फाज है कुछ 94 है, ठीक है, 278 है, 272 करें है, डिवाइड 3 करना, देखिए आपकी मैथमेटिक्स निकाले कैलकुलेटर 93. तो ये जो प्रेसी है टोटल ये कितने किया है, 94 वर्ड्स. तो इट मीन्स कि 93 में मैंने क्या बताया है कि प्लस 5 करें तो कितने, 93 में से प्लस माइनस करें तो 88. तो 10 अल्फाज का आप अपने इस तरह आपकी बन जाएगी, हर पार्ट को ज्वाइन करते जाए, एक पैराग्राफ में कर ले. उसके बाद आपने देना है इसका प्रॉपर टाइटल. टाइटल क्या समझ आता है आपको इसका, ओके.
आप इसे कोई मैनेज मशीन बता रहा हूँ, आपने तो फिर देख लिया ना इसका नाम इतना भी रिजर्व कोई नहीं है, स्किल्ड वर्कर ठीक है, नहीं ये मैं कहने लगा था आपने कह दिया, आप थोड़े एक्साइटेड हो गए। लेंथी टाइटल नहीं होना चाहिए, टाइटल शुड बी शॉर्ट, ठीक है, टाइटल शुड बी शॉर्ट, लेंथी टाइटल आपको जो है वो नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस पूरे पैराग्राफ में दो ही मेन प्लेयर्स हैं, एक है मैन और एक है मशीन, के जो आप क्या कर रहे हैं रिकमेंड, डिजिटल इन्वेंशन, ठीक है ये भी ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप कर देते हैं, फिर आप एक ही बार बता देना ठीक है। सो मैन एंड मशीन्स, देखिए दो मेन कैरेक्टर्स हैं ना इस पैराग्राफ के, एक मेन कैरेक्टर है मैन, एक मेन कैरेक्टर है मशीन्स, कि जो पूरा पैराग्राफ है वो इन दो कंपोनेंट्स के गिर्द रोटेट कर रहा है कि इंसान और मशीन, इंसान पहले यूं था फिर मशीन बन गए। So, अगर आप इसका टाइटल सेलेक्ट कर रहे हैं मैन एंड मशीन, मैन वर्सेस कर रहे हैं, लड़ाना चाह रहे हैं यार, वर्सेस कर रहे हैं ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं मैन एंड मशीन्स कर लें, मैन वर्सेस मशीन्स कर लें ठीक है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं रेलिवेंस ऑफ स्किल्ड वर्क, ये भी कह सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा ठीक है। तो मैन एंड मशीन्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, और भी टाइटल हो सकते हैं रेलिवेंस ऑफ स्किल्ड वर्क, जी जी देखिए टाइटल आपका टू मच जेनेरिक नहीं होना चाहिए, टू मच स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, तो आपको आपके जहन में कौन सा आ रहा है, आपके जहन में कौन सा, इस तरह भी आप कर सकते हैं ठीक है, आप इस तरह कर लें ये भी ठीक है, टाइटल कि सुप्रीमेसी ऑफ मैन ओवर मशीन्स, लेकिन लेंथी टाइटल हो जाएगा ठीक है। आप इसको ये टाइटल दे सकते हैं कि रेलेवेंस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स या इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, एक टाइटल, टाइटल एक एक ही टाइटल वो होता है जो आपके पूरे पैराग्राफ की रिफ्लेक्शन करता है ठीक है। टाइटल शुड नॉट बी वेरी लेंथी, टाइटल को लेंथ नहीं होना चाहिए, ऐसा टाइटल नहीं हमने कि जो एक सेंटेंस लग रहा हो, और टाइटल कोशिश करें कि फ्रेज बनाए, फ्रेज बनाए टाइटल। इसकी रेड बेस्ट एग्जांपल ये है कि जिस तरह आप कोई हेडिंग लेते हैं किसी भी चीज की, लाइक पेपर करते हुए आप किसी भी चीज की कोई हेडिंग लेते हैं, लाइक इम्पैक्ट्स ऑफ चाइना, प्रेजेंस ऑफ चाइना इन ताइवान ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ चाइना इन ताइवान या इम्पैक्ट ऑफ चाइना, अब ये क्या है फ्रेज, अब ये जो हेडिंग और उसके नीचे आप वो सारी बात करेंगे वो उसी हेडिंग के रेलेवेंट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो टाइटल भी यही चीज होगा कि फ्रेज की फॉर्म में बनाए जो कि इस पूरे पैराग्राफ को जो है वो इंटेल कर ठीक है। अब इसको अगर आप ये कहते हैं कि जिस तरह आप बात कर रही है कि सुप्रीमेसी ऑफ मैन ओवर मशीन, कहां से आपको ये हिट, आधे से ज्यादा पैराग्राफ में तो ये कह रहा है स्किल्ड वर्कर रेलेवेंट, आखिर में उसने जाके सिर्फ ये बात की है कि मैं एक लाइन में उसने ये बात की है कि मैन ने मशीनों को इसलिए रखा है कि डर में काम। तो अगर आपने ये टाइटल बना लिया सुप्रीमेसी ऑफ मैन, तो आपने आखिरी पार्ट का टाइटल, पहला जो पार्ट है वो वाला
सुप्रीमेसी ऑफ मैन ओवर मशीन में कहीं भी आपको ये ग्लिम्स आती है कि स्किल्ड वर्कर रेलेवेंट है, जबकि आपका 80-70 पैराग्राफ परसेंट पैराग्राफ इस बात पे है कि रेलेवेंस ऑफ स्किल्ड वर्कर। और अगर आप रेलेवेंस ऑफ स्किल्ड वर्कर पे बात बनाते हैं तो आखिर में वो यह तो दे रहा है कि इंसान मशीनों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर। तो फिर आप पहले पार्ट पे चले गए, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? व्हेन यू मेक द टाइटल टू मच स्पेसिफिक यू बाय डिफॉल्ट गो ऑन टू द वन पार्ट, टाइटल को थोड़ा सा जेनेरिक ताकि वो पूरा, लेकिन पूरे पैराग्राफ में क्या मशीन की बात नहीं हो रही, क्या इंसानों की बात नहीं हो रही? तो बस ठीक है, मैन एंड मशीन, ठीक है। और बहुत ज्यादा जो है वो टाइटल क्या बात है, यानी कि ज्यादा बहुत स्पेसिफिक टाइटल ना रखा, यानी कि जेनेरिक हमने, अब हमने इतना जेनेरिक भी तो नहीं कह चले गए ना कि मैंने इसका टाइटल वर्ल्ड वॉर थ्री नहीं रखा हो, कि वर्ल्ड वॉर थ्री टाइटल रख दिया। ऑब्वियसली इसी चीज पे बात हो रही है, तो हम उसी को ही बात में लेके आ रहे हैं ना, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो दिस सॉर्ट ऑफ द टाइटल यू शुड गो फॉर, कि लाइक इस तरह पहले प्रश्न किया था कि इम्पैक्ट ऑफ जो है वो अपना थ्योरी ऑफ फासिज्म, ठीक है, तो वो वाला टाइटल था, इस तरह का आप टाइटल बताए। बेटा वो क्लास का टाइम अभी बताया गया, 5-7-8 स्टूडेंट्स आए, कब था आपकी क्लास का टाइम? अब जो आप आए जोश में जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, अब क्या कर लेंगे आप, क्या कर सकते हैं पाकिस्तान का काम? इस वक्त आप किताबें निकाल रहे हैं, क्या लिखेंगे आप? सारा काम तो हो गया है, कार्रवाई तो सारी हो गई है, तो व्हाई डोंट यू कम ऑन टाइम? 5 का टाइम है तो 5 बजे आए ना आप। ये पॉइंट आप लोग क्लियर हो रहा है, टाइटल का मसला हल हो रहा है? टाइटल इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। टाइटल को आपने थोड़ा सा इस तरह रखना है कि वो पूरा पैराग्राफ उसके अंदर आ, पैराग्राफ के तमाम कैरेक्टर्स शो कर, ठीक है। पहले पैराग्राफ में हमने जो था थ्योरी ऑफ क्या था फासिज्म, क्योंकि वो पूरे पैराग्राफ में बताए थ्योरी ऑफ फासिज्म, ठीक है। और इसका जो टाइटल है मैन एंड मशीन, ठीक है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं कि रेलेवेंस ऑफ मैन एंड मशीन, इस तरह भी आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसको थोड़ा सा लेंथीफाई भी कर सकते हैं, but not to that extent in which becomes a sentence, ठीक है। और रही बात बाकी इन चीजों को देखने की, ये अब है आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस। यस, बेटा वो फिर पैराग्राफ की टोन आप देखेंगे, ओवरऑल वो कहाँ पे वो ज्वाइन है या वो पैराग्राफ को किस तरह से ज्वाइन करते हैं, कि ये तो देखें ना, ये तो है आपकी थोड़ी स्किल, कि यही तो आप स्किल सीखें, इस चीज़ को आप फर्स्ट अंडरस्टैंड करें। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये सुना है मैंने बहुत, कि या टाइटल पहली लाइन में होता है या आखिरी लाइन, चाहे वो पहली लाइन पे 1000 वो डिफरेंट बातें करके आ रहे हैं 90% पैराग्राफ की, कोई मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। ये चाह रहा हूं कि कुछ लोग ज्यादा लोग पीछे से आप ऊपर दो तीन लाइंस पढ़े और लास्ट पर दो तीन लाइन पढ़े तो इससे आपका टाइटल इफेक्ट हो जाएगा। देखिए एक तो बेटा सुन ले, एक तो थोड़ा सा जुगाड़ में भी आप लोग ज्यादा, थोड़ा सा ये एटीट्यूड ना, सीरियस इज द गेम ऑफ एटीट्यूड, थोड़ा सा ये जो आपका माइंडसेट है ना कि एब्सोल्यूट माइंडसेट, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होता है, इससे जरा दूर होता है थोड़ा सा, ठीक है। कई सारे हैं ऐसे पैराग्राफ्स कि जिनमें आप पहली लाइन्स को देखिए, कुछ ना कुछ आपको रेलिवेंट आर्टिकल मिल जाए, लेकिन ये हर बार डिपेंडेबल स्ट्रेटेजी नहीं, कि अगर आप इसको एक रूल ही बना दें और बच्चों को समझा दें कि ये रूल है कि पहली दो लाइंस पढ़ो आखिरी दो लाइंस पढ़ो टाइटल बन जाए, ज्यादातर में हो जाता होगा, लेकिन रूल तो टाइटल पे यही है, टाइटल तो वो होगा जो पूरे पैराग्राफ को डिपिक्ट कर, अगर तो वो ठीक है डिपिक्ट कर रहा है दैट इज ओके। और दूसरा इसमें ये है कि ये थोड़ा थोड़ा सा जुगाड़ी का,
कि जिस तरह हम चीजों को ना कैच करते हैं जुगाड़ के जरिए, बस हमें कुछ टिप्स बता दें सर कि ये जो हो जाए, ये वो वाला काम कि जब आप टिप्स पे इंसिस्ट करना शुरू कर कि सर टिप दे, कोई तो टिप दे के भेजें आज, फिर वो तल जाके फिर यही टिप आपको दे देते हैं, बेटा पहले दो लाइन ऊपर की पढ़ो आखिरी में इंशाल्लाह अल्लाह ताला अफाका होगा, बहुत अच्छा होगा। बट रियल जस्टिस आप पैराग्राफ के साथ तब करते हैं जब उन्होंने पैराग्राफ को सही समझा, क्योंकि हम लोग समझने और उससे हम थोड़ा भागते हैं, तो हम कहते पूरा कौन फाइट करे यार, बस ठीक है हाँ आइडिया है जुगाड़ लगा लिया अल्लाह करेगा ठीक हो जाए, बिकॉज वी गो टू एस्केपिज्म के ठीक है आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, क्या पूरे पैराग्राफ को समझा एनालाइज किया तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि दिस शुड बी लाइक इफ इट इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट लाइन्स। अब कई ऐसी फ्रेसिस है पहली पांच छह लाइन्स में वो मीनिंगलेस बातें कर रहा लाइक अब ठीक है इस तरह की मैं आपको अब जो फॉर एग्जाम्पल ट्रिप टू चेरोकी है, अब पहली पांच छह लाइन्स में वो ये कह रहा है कि बात कर रहा है कि मैंने उसको कन्विंस किया और हम चले गए और हमने जाने की कोशिश की और आखिर में वो ये बात कर रहा है कि मैं बहुत सैड था तो मैं वापस आया और मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि अल्लाह करे ऐसा ट्रिप। अब इसका पहला टाइटल बनाए तो यही करेगा कि राइटर कन्विंसिंग स्टूडेंट, अगर आप इस टूल पे डिपेंडेंट ही हो जाए और अगर उसको आखिर में करें कि राइटर वाज सैड कि ही लेफ्ट द प्लेस, अब आखिरी लाइंस में तो पांच छह में वही बता रहा है कि मैं भी सैड था मैं वापस फिर मैं आगे देख रहा हूँ कि लग रहा है ट्रिप। पहले पांच छह लाइंस में मैं सोच रहा था कहाँ जाऊँ, जापान की फ्लाइट्स भी नहीं मिल रही थी, फलानी फ्लाइट्स भी नहीं मिल रही, पाँच छः लाइन्स में वही बात है। तो फिर अगर आप ये रूल बना लेते हैं कि पहले दो तीन लाइन्स को रीड करें इसका टाइटल यही बना देते हैं या उसका आखिरी वाला टाइटल बना दें कि द सैडनेस ऑफ राइटर, जबकि सारा पैराग्राफ तो है कि राइटर टिप क्यों, तो यहाँ पर फिर आपका वो रूल कैसे अप्लाई है अगर आप इसको चीज़ों को जल्दी रैशनलाइज ना किया। ठीक है, सबसे बेस्ट अप्रोच रखा करें, रियलिस्टिक अप्रोच रखा करें, क्योंकि बहुत सारे पैराग्राफ्स में चीज़ें वेरी कर रही होती हैं और अगर आप चाहते हैं डिपेंडेबल स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए रियलिस्टिक, वो आपकी हो सकती है फाइट के साथ। पैराग्राफ को आपने पकड़ा, समझा, एनालाइज किया, आपको फ्री फील हो रहा है कि ये मेन बात है पूरे पैराग्राफ में, तो लेट इट बी द टाइटल, दैट इज इट। और दूसरी बात, जब आप प्रैक्टिस, क्योंकि आप लोगों की थोड़ी सी कम है, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस कहने को तो बहुत छोटा लफ्ज है, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रैक्टिस करें, लेकिन लेट मी टेल यू विद वेरी मोस्ट बिलीफ एंड सिंसियरिटी कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, वो कई चीज़ें खुद आप अपनी डिस्कवर करें, यार इस तरह से इस तरह डील करना, इसको इस तरह से इसका टाइटल, ये चीज़ें आपने अपनी शार्पन करें, शार्प करें। ठीक है, तो इस पे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे लाइक एक वीक में आप एक या दो फ्रेसिस करें, यही प्रैक्टिस है, और इसको कंटिन्यू रखें टिल योर एग्जाम, कि टिल एग्जाम्स इसको कंटिन्यू रखें और यही तैयारी होती है इंग्लिश की फ्रेसी की। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अच्छा, अब सवाल ये है कि कितना टाइम, साढ़े छः, आपके पास वो बुक्स हैं, ये वाली बुक्स तो नहीं, हाँ ये वाली बुक्स, इसमें एक पैराग्राफ है छोटा सा, डिफिकल्ट भी नहीं है, ये प्लीज कम टू पेज नंबर 32, जिनके पास है वो देखिए, जिनके पास नहीं है वो ऊपर देखिए, 32 पेज पे है ये एक्सरसाइज नंबर 1 इंडिया, एक पिक्चर बना के सेंड कर स्ट्राइक्स वाले, ये भी आप मिसाल ये सर अच्छा चलिए और कर लेते हैं, चलिए और कर लेते हैं यार, इसको ना मसला जिंदगी में कश्मीर कश्मीर ना बनाए और भी प्रेसी कर लेते, आप जरा करें पास पेपर डाउन, जरा पास पेपर प्लेट
CSS 2019 खोले हैं मेरा CSS 2019 गूगल पे आपको मिल जाएगा आराम से CSS 2019 CSS 29 की तीन की जो प्रेसी है इसको रीड करें और इसको सॉल्व करें ठीक है आपके पास हाफ आवर आधा घंटा आपकी खामोशी आपकी सीरियस में बता रहे खामोशी ये FPSC की वेबसाइट पे जाना FPSC की वेबसाइट पे जाके वहां पे पास्ट पेपर सारे पड़े हुए हैं कुछ पिछले पास्ट ईयर्स के 2019 का पढ़ा होगा मोस्ट लगता पुराना तो नहीं है दो तीन साल ही में पढ़ा होगा ये तो कॉम्प्रिहेंशन है ना यस ये पेपर में ऐसी गलती ना कीजिएगा ख्याल कि कॉम्प्रिहेंशन को प्रिसाइज करके आ जाए और प्रेसी है दूसरी प्रेसी ये क्या होगी चेक करेंगे बैक साइड पर अभी देख लेते हैं वो फिर कर लें अभी अभी और ही रुक वो एक ही बार में लेके जाऊंगा एक ही बार आप सारे चेक करेंगे किस किसने सबमिट कराई हुई है मैंने मशीन्स वाली किस किसने की हुई है दे हैं ये वाली प्रेसी मैंने मशीन जिन्होंने की हुई है परेशान क्यों आज अभी ग्रुप पे आए नहीं है स्पेशली मैं तीन साल दिन की उसने भी भेज दिया आप क्यों भेज
Thank you.
लेट क्यों हुई है? जो भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी उसको प्रॉपरली डाउनलोड करना है, इस तरह मोबाइल पे आपको वो नहीं समझे, यही तो मसला है ना, डाउनलोड करके नेक्स्ट वो भी डिजिटल फॉर्म है, हार्ड फॉर्म में चलो हार्ड फॉर्म है ना, सॉफ्ट फॉर्म है। Thank you.
Thank you.